हमारे साथ बात करने के लिए हरपिंदर सिंह है जो रानिया विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां पे पहुंच रहे हैं और तमाम जो राजनीति दल है वो भी यहां पे चुनावी प्रचार में जुटे हैं। क्या खास है आम आदमी पार्टी का लेकर के यहां पे? सबसे पहले तो हम आपके भारत समाचार की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप यहाँ रानिया पहुँचे। तो साथियों, खास बात ये है कि आज आम लोगों का आम नेता, हरमन प्यारे नेता जो आम लोगों को साथ लेकर चलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी हमारे छोटे से शहर रानिया में पहुंच रहे हैं, तो सभी लोग उनको देखने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वो चाहते हैं कि हम हमारे हरमन नेता, प्यारे नेता के विचार सुनें कि वो उनके पास क्या विजन है, कैसे वो हमारे स्कूल ठीक करेंगे, किस तरह से हमारे हॉस्पिटल ठीक करें, किस तरह से हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, तो उनके पास क्या विजन है अपने हरियाणा को नंबर वन करने का। यदि हम हरियाणा की राजनीति का जिक्र करें तो भाजपा 10 साल से यहाँ पे सरकार में बरकरार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें गारंटियाँ पहले आम आदमी पार्टी देती थी, अब भाजपा और कांग्रेस भी दे रहे हैं। जो पहले फ्री की रबड़ी की बात करते थे वो भी अब फ्री की बातें करने लग गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो ये उनकी गारंटियाँ नहीं, उनकी तो नकली और डुप्लीकेट गारंटियाँ, वो तो सिर्फ चुनावी जुमले करते हैं। गारंटी देते हैं तो सिर्फ एक ही आदमी थे वो, जो अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ देते थे गारंटी जो देते हैं, और उन्होंने जो गारंटियाँ दी प्रत्यक्ष को प्रमाण की, जिस तरह से कहते हैं जरूरत नहीं होती, दिल्ली में जो गारंटियाँ दी वो पूरी की, पंजाब में जो गारंटियाँ दी वो पूरी की। इन लोगों ने आज तक क्या किया? 77 साल देश आज़ाद हुए हो गए, इन लोगों ने सिर्फ चुनावी जुमले किए, धोखा दिया लोगों को और सेटिंग की राजनीति की। चंद लोगों ने सिर्फ परिवारवाद ने ही इनके बढ़ावा दे रखा है, उन लोगों ने कागज किया, खास तौर पर हमारे सिरसा जिला में। आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो दिल्ली से राजनीति शुरू होती है, पंजाब तक पहुंचती है, पंजाब से हरियाणा आ पहुंची है, तो क्या उम्मीद है? जैसे दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, हरियाणा का क्या कुछ रणनीति रहने वाला है? देखिए जी, अब अरविंद केजरीवाल जी वो हरियाणा के जन्मपल हैं, हरियाणा के बेटे हैं, तो जब उन्होंने जो दिल्ली और पंजाब के लिए किया तो हरियाणा तो उनका खुद का गृह राज्य है, तो यहाँ तो लोग भी चाहते हैं कि हम अपने बेटे को, बेटे की सरकार बनाएं कि हरियाणा के लिए वो कुछ अलग से करें और भी ज़्यादा करें। जब दिल्ली के लोगों को इतना कुछ दिया तो हरियाणा पंजाब को दिया, तो दिल्ली पंजाब को दिया, तो हरियाणा के लिए तो वो कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। तो लोगों ने हर एक राजनीतिक दल को देखा, हर एक घराने को देख लिया, अब लोग चाहते हैं कि वो अपने लाल को एक बार जरूर देखें। एक आखिरी सवाल, यदि हम वादों की बात करें तो तमाम राजनीति दल वादे करते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ वादे खास किए गए? क्योंकि यदि हम हरियाणा की बात करें तो ये किसान बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ सबसे मेन गारंटी है? देखिए जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले मेन गारंटियाँ यही हैं कि हम यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार करेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हरमन, 2023 से पहले जितने बिल बकाया थे वो सारे, जितने भी बिल थे वो सारे के सारे माफ करेंगे, उनके जितने भी हैं, और बच्चों को रोजगार देंगे, यही विजन लेकर हम उतरे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए रानिया विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरपिंदर सिंह थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आम आदमी पार्टी जो विजन लेकर के दिल्ली से शुरुआत की थी, पंजाब में सरकार बनाई और अब हरियाणा की बारी, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है, दावे नहीं करती। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, हरियाणा।